नरेंद्र मोदी 2024 में नहीं आएंगे, इसके खिलाफ में सब लोग गोलबंद हुए और कल अस्वस्थ हो गया। और कल का जो जमावड़ा था, 63% के लोग जो जिनके पास वोट की क्षमता 63% है, वो लोग इकट्ठा थे, तो 63% वाले के सामने में 37% वाले में कहाँ टिकेंगे। नमस्कार, आप देख रहे बिहार इन शॉर्ट्स, मैं हूँ आपके साथ रोहित। आपको बता दें कि कल पटना में एक विपक्षी दलों की बड़ी बैठक हुई, जिसमें तमाम जो विपक्ष के नेता थे वो मौजूद थे, और ऐसे में अब विपक्षी दलों की बैठक पर लगातार बीजेपी सवाल उठा रही है। और ऐसे में सम्राट चौधरी का कहना है कि जो लोग भी कल बैठक में आए थे, राहुल गांधी की शादी पर चर्चा करने आए थे, लिट्टी चोखा खाने आए थे। मेरे साथ बात करने के लिए राजद विधायक सतीश दास जी है। सम्राट चौधरी का कहना है कि जो लोग भी कल आए थे, राहुल गांधी की शादी पर चर्चा करने आए थे और लिट्टी चोखा खाने आए थे। लिट्टी चोखा भी खाया गया, राहुल गांधी जी की शादी पर भी गार्जियन आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने भी बात की, ये सब जो भी बात हुआ पूरी मीडिया को बताया गया। लेकिन उनकी सबसे जो बड़ी चिंता है कि जो विपक्ष गोलबंद हुआ, एक इशू पे गोलबंद हुआ कि हिटलर शाही, ताना शाही, संविधान विरोधी, सारे संवैधानिक संस्थानों को ख़त्म करने वाला, पहलवानों को सड़क पर तड़पता हुआ छोड़ देने वाला, और उनके साथ उत्पीड़न करने वाले के साथ में खड़ा होने वाला, मणिपुर को जलता हुआ छोड़ देने वाला, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अवहेलना करके एक नए अध्यादेश लाके उनके अधिकारों का हनन करने वाला, नरेंद्र मोदी 2024 में नहीं आएंगे, इसके खिलाफ में सब लोग गोलबंद हुए और कल अस्वस्थ हो गया। देश की जनता चैन से सो सकती है कि जो उनको ठगने वाला, उनको जुमला देने वाला, उनको अच्छे दिन का सपना दिखा देने वाला, अच्छा दिन छीन लिया, उनको खाता में 15-15 लाख का झांसा दे करके 1500 रुपये गैस सिलेंडर का दाम तक पहुंचा दिया गया, ऐसी स्थिति, ऐसी दुर्दशा में ढकेलने वाला भारत का प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी 2024 में रिपीट नहीं होने जा रहे हैं, ये कल गारंटी हो गई। बीजेपी के लोग तो कह रहे हैं कि जो बैठक था वो सफल नहीं हुआ, कोई कितना भी इकट्ठा हो जाए मोदी जी के टक्कर में कोई नहीं आएगा। देखिए, देश संविधान से चलता है, संविधान में लोग सबसे महत्वपूर्ण है, और 2019 में जब 303 सीटें भाजपा को मिली, तब भी सभी सहयोगी दल को मिलाकर के उनको 37% वोट मिला, विपक्ष में 63% वोट मिला, और कल का जो जमावड़ा था, 63% के लोग जो जिनके पास वोट की क्षमता 63% है, वो लोग इकट्ठा थे, तो 63% वाले के सामने में 37% वाले में कहाँ टिकेंगे। ऐसी कल जो कल बैठक हुआ उसको लेकर अब जो AIMIM है वो भी सवाल उठा रही है, कह रही है कि जो कल बैठक हुआ इनकम्प्लीट बैठक था, क्योंकि उस बैठक में ना ही कोई मुस्लिम समाज के बड़े नेता थे और ना ही कोई सिख समाज के बड़े नेता थे। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हमने पहले ही बोला कि लालू यादव जी अल्पसंख्यकों के दिल में राज करते हैं, लेकिन क्या महबूबा मुफ्ती साहब मुस्लिम नहीं है? क्या उमर शेख साहब जो आए थे जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री, वो मुस्लिम नहीं है? तो अख्तरुल इमाम साहब सिर्फ अपना चेहरा देखना चाहते हैं, इसीलिए कल के बैठक के साफ साफ संदेश था कि सिर्फ नागपुर के नारंगी से नहीं, हैदराबाद के बिरयानी से भी परहेज है। चलिए, तो अभी आपने देखा मेरे साथ राजद विधायक सतीश दास को बता दें कि कल जिस तरीके से जो विपक्ष का बैठक हुआ, लगातार उसको लेकर जो सियासत है, जिस तरीके से बीजेपी लगातार उस बैठक पर सवाल उठा रही है, इसको लेकर सतीश दास ने साफ साफ कह दिया कि कल जो बैठक हुआ उस बैठक से बीजेपी के लोगों में बेचैनी बढ़ गई, और कल जिस तरीके से तमाम जो विपक्ष के नेता थे एकजुट हुए थे, तो कहीं ना कहीं जो घबराहट है वो बढ़ गई। और वहीं नहीं, साफ साफ जिस तरीके से अख्तरुल इमाम ने भी इस बैठक को लेकर सवाल उठाया था, अख्तरुल इमाम के बातों पर भी जवाब दिया, और क्या कुछ कहना था इनका आपने इस वीडियो में देखा। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहे, तब तक धन्यवाद।